भारत में लगभग 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और उससे 5 गुना ज्यादा लोग प्रो डायबिटिक हैं, यानी कि उन्हें डायबिटीज होने का खतरा है। तो अब आपके लिए आ गया है ये चमत्कारी मेडिसिन ADR 36, सिर्फ 5 रुपए में डायबिटीज कंट्रोल करने की गोली, वो भी भारत सरकार द्वारा प्रमाणित। ADR 36 100% आयुर्वेदिक है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि ये भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, ये किसी एक वैद्य की सलाह पर नहीं बल्कि क्लिनिकली टेस्टेड और अप्रूव्ड है बाय डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। साथ ही ये FDA और GMP सर्टिफाइड भी है। ADR 36 में है कुछ खास जड़ी बूटी जैसे कि हरेडा, विजयसार, गिलोय, मेथी, गुड़मार और ममजावा। इन सब की मदद से आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा संतुलित होती है और ये आपके शरीर में इंसुलिन बनने और उन्हें सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। टाइप 2 डायबिटीज के लोगों के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है। 1 महीने के अंदर ही आपको अपने शुगर लेवल में जबरदस्त बदलाव दिखेगा। समस्या है तो समाधान भी, रोग है तो निदान भी। जी हाँ दर्शकों, मैं शरद शर्मा एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ बेहद ही खास विषय को लेकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शुगर, डायबिटीज यानी मधुमेह के बारे में। और इसी विषय में बात करने के लिए दर्शकों हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेंद्र मिश्र, जो कि सीनियर कंसल्टेंट और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं। आचार्य श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास शो में। नमस्कार दर्शकों, आज जहां एक बहुत बड़ा तबका मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इस बीमारी के ग्रस्त में है, वहीं एक बहुत बड़ा तबका आज गांव में भी इससे ग्रसित है। कहते हैं कि शहरों में ये प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहां पर पॉल्यूशन है, डिप्रेशन है, काम का वर्क है, बच्चे भी आज ओवरलोडेड हैं। जो हमने पढ़ाई कभी 5 साल की उम्र में की थी वो बच्चे आज पहली क्लास में कर रहे हैं, यानी हम लोग सब ओवरवर्क्ड हैं। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा ये बीमारी आज गांव में भी फैल गई है, वहां तो पॉल्यूशन नहीं है। तो इसी बारे में हम आचार्य श्री से क्वेश्चन पूछेंगे। आचार्य श्री, ये बताइए कि ये जो प्रॉब्लम है आज गांव में पहुंच गई है, वहां तो पॉल्यूशन भी नहीं है, वहां के लोग तो ज्यादा अच्छी रिलैक्स जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे शरद जी बहुत ही जरूरी हमारे को ध्यान में देना होगा, मानसिक तनाव सबसे बड़ा कारण है जी। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग कंपटीशन में, प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए, दिखावे के लिए, आधुनिकीकरण के नाम पर शारीरिक श्रम से बच रहे हैं और मानसिक श्रम के कार्यों को कर रहे हैं। मानसिक श्रम के कार्यों के साथ आज उनको जब कृषि में जैसे जुताई हुआ करती थी, आज ट्रैक्टर ने जुताई में शारीरिक श्रम को बिल्कुल कम कर दिया है। सिंचाई इरिगेशन हुआ करता था, आज पंपिंग सेट लग गए हैं, बिजली से, डीजल से, उनके कार्यों की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। शारीरिक श्रम का कम होना और तनाव का अधिक होना दो ही प्रमुख कारण हैं इस डायबिटीज़ के। तीसरा अगर कोई कारण हो सकता है तो हमारे असंयमित खान पान प्रमुख रीजन हो सकता है। जो मिनरल्स हमारे बॉडी को मिलने चाहिए उनकी लैकिंग हो जाती है, जो न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए, जो विटामिन्स मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, स्टार्च मिलना चाहिए, उनकी लैकिंग एक दूसरा कारण है। असंयमित समय पर भोजन लेना, किसी भी समय कुछ भी ग्रहण करना, आधुनिकीकरण के नाम पर फ्राइड चीज़ों का अत्यधिक सेवन करना, ये प्रमुख कारण है। ये कारण शहर क्षेत्र में, अर्बन में, रूरल में, दोनों एरिया में छाया हुआ है, जिससे गांव में भी और शहरों में भी दोनों जगह समान रूप से इसके मरीज देखने को मिल रहे हैं। जैसे आचार्य श्री ने बताया कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है दिन पे दिन, ये बेसिकली हम लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, यानी हमने शारीरिक व्यायाम करना बिल्कुल छोड़ दिया है, हम एक आसान जिंदगी आचार्य श्री जीने लगे हैं। इसी के साथ दर्शकों, हमारे फोन लाइंस, हेल्पलाइन नंबर नीचे दिए गए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के दौरान भी या प्रोग्राम के बाद भी। हमारे विशेषज्ञ आपको कॉल करके आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही साथ अगर आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आज का टॉपिक है शुगर और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजेंद्र मिश्र। आचार्य जी, मुझे बताइए कि शुगर, अभी जिन जिन को नए लोगों को शुगर हुई है उसके क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि मैं भी शुगर का मरीज हूँ? जी शरद जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है। सिम्टम्स के बारे में अगर जानकारी हो जाए और डायबिटीज की अगर एजुकेशन पेशेंट को मिल जाए, और जो पेशेंट नहीं बने हैं अगर उनको इसकी जानकारी मिल जाए, नॉलेज एजुकेशन मिल जाए, तो वो डायबिटिक कैटेगरी में नहीं आएंगे। डायबिटीज के पेशेंट की सबसे सबसे बड़ी जो सिम्टम होता है वो होता है हमेशा थकान का रहना जी। डायबिटिक पेशेंट सवेरे उठता है, सवेरे उठने पर उसको ताजगी मिलनी चाहिए, लेकिन उसको ताजगी नहीं मिलती है, सवेरे उठते ही उसको थकावट महसूस होने लगता है। बार बार प्यास का लगना,
बार बार भोजन करने के बाद भी भूख का लगना, शरीर में अनावश्यक रूप से दर्द का रहना, कोई भी किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका जल्दी न ठीक होना, आँखों से धीरे धीरे कम दिखाई देना, पैरों में थकान महसूस करना, कभी कभी चीज़ों को रख करके भूल जाना, मेमोरी का लॉस होना, ये प्रमुख रूप से कारण प्रमुख रूप से सिम्टम होते हैं डायबिटिक पेशेंट होने का। अगर इनमें से एक और कारण है जो कि बहुत जनरली लोगों को पता लगता है, बार बार मूत्र त्याग का जाना, पेशाब करने के लिए जाना, जहाँ पर डायबिटिक पेशेंट पेशाब कर देता है वहाँ पर चींटियों का एकत्रित होना, बार बार रात्रि को भी दिन को भी कई बार उसका मूत्र त्याग के लिए जाना ही इसका प्रमुख सिम्टम है। जैसे आचार्य श्री ने बताया कि बार बार पेशाब जाना, आपको कमजोरी महसूस होना, आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, दबाने पर भी आपको आराम नहीं मिलता, ये एक बहुत बड़ा लक्षण है डायबिटीज का। इसी के साथ आचार्य श्री हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए देखते हैं, हमसे बात करते हैं। जी गोपाल जी पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? जी आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। तो आचार्य जी एक्चुअली मुझे 6 महीने से डायबिटीज की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार बाथरूम वगैरह आता है। जी जी जी। तो इसके लिए कुछ बताइए कि कब तक नॉर्मल कर सकता हूँ मैं इसको? नहीं, इसको आप बिल्कुल, आपने प्रश्न पूछा है, 6 मंथ से आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, हम आपको बताना चाहेंगे खाना खाने से पहले अगर आपकी 80 से 110 mg पर डीएल आती है और भोजन करने के 2 घंटे बाद तक अगर आपका बिलो देन 140 आती है तो आप समझेंगे कि आप डायबिटिक नहीं हैं। आप डायबिटिक हैं तो हमारा ये मानना है कि आप इससे ज़्यादा ही आपका डायबिटीज आ रही है, काउंटिंग डायबिटीज की आ रही है। आपको हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो सवेरे से और शाम तक की अपनी दिनचर्या को आपको सेट करना है। मॉर्निंग में आप उठते ही जल को ग्रहण करें, उषा पान करें, जितना ले सकते हैं 1 गिलास से शुरू करें, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए, सबसे सिप सिप करके आपने जल लेना है। जो भी आपके पूरे रात भर आपके मुंह में जो भी अल्कालाइन बना है उसको आपने पूरी तरह से ग्रहण कर लेना है। इससे इंसुलिन बनने भी में भी हेल्प मिलने लगेगी, एक चीज़ आपको करना है। दूसरी चीज़ आपको अनकुक्ड फूड पे ज़्यादा ध्यान देना है। मॉर्निंग में जो आपने शुरुआत करनी है, मॉर्निंग में आपने कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ों से शुरुआत नहीं करना है। लोगों को हमने देखा है, डायबिटिक पेशेंट्स को भी हमने देखा है कि ब्रेड मंगा लिए और चाय मंगा लिए, ब्रेड और चाय को ले लिए, ब्रेड और चाय को लेकर के डायबिटीज़ को और ज़्यादा आप पोषक तत्व दे रहे हैं। आपने दिन की शुरुआत जो करनी है वो अनकुक्ड से करनी है, स्प्राउट से करनी है, रा वेजिटेबल और आपने फूड से आपको अपना शुरुआत करना है। आचार्य श्री गोपाल जी को जैसे उनको पता नहीं रहता, बहुत सारे व्यूवर्स को ये भी पता नहीं होता उनको शुगर है उसका क्या मापदंड होना चाहिए, तो जरा हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइए कि नियमित जांच करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो बहुत सारे अंगों पर इसका प्रभाव आता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया जी। गोपाल जी को और दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि किसी भी तरह की अगर आपको रात में एक बार भी उठ करके जल की जरूरत पड़ती है और रात में एक बार भी उठ करके अगर आप पेशाब करने जाते हैं तो आप निश्चित रूप से आप अपने ब्लड की जांच कराएं, शुगर की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आप में है। अभी गोपाल जी को मैं बता रहा था कि इनकी डायबिटिक 6 मंथ से है तो अभी इनकी प्री स्टेज है। अगर ये कुछ एक चीज़ों का जैसे अपने संयमित खान पान का ध्यान रखेंगे और कुछ एक थोड़ा सा आयुर्वेदिक का सहारा ले लेंगे, आयुर्वेद में डायबिटीज़ को पूरी तरह से समूल नष्ट करने की क्षमता है, परंतु आयुर्वेद में जो चीज़ें हैं, जो हर्ब्स हैं, उनका कम या ज़्यादा मात्रा में लेने से उनकी डिमेरिट्स भी हो सकती हैं। एक निश्चित अनुपात में अगर हम मेथिका को, मामे जवा को, गुड़मार को, हल्दिका को, इन 3-4 चीज़ों को अगर हम एक निश्चित मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम लेना शुरू कर लें तो हमारे नेचुरल रूप से हमारा इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज में बनना शुरू हो जाएगा। हमारी संस्था ने एक इसके लिए आयुर्वेदिक कम्बिनेशन दवा निकाला है कि आपको कितना मिक्सिंग की मामे जवा लेना है, किस मिक्सिंग का गुड़मार लेना है, किस मिक्सिंग का मेथिका लेनी है। देखो मेथिका बहुत उपयोगी चीज़ है लेकिन अधिक मात्रा में मेथिका लेने पर, जैसे अभी गर्मी चल रही है, अधिक मात्रा में मेथिका लेने पर हमें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बना रहेगा, हमें हमेशा गर्मी लगती रहेगी, इसलिए एक निश्चित मात्रा का होना आवश्यक है। हमारी संस्था ने इन सभी को एक निश्चित मात्रा में मिला करके एक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई है
जिस मेडिसिन का नाम है ADR36। इस ADR36 के दो टेबलेट सवेरे नाश्ते से 30 मिनट पहले गुनगुने पानी के साथ, दो टेबलेट दोपहर के भोजन से 30 मिनट पहले गुनगुने पानी के साथ, और दो टेबलेट रात के खाना खाने से 30 मिनट पहले गुनगुने पानी के साथ अगर हम ले लेते हैं, तो जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे पैंक्रियाज में भोजन जाने के पहले, या यूं हम जैसे ही उसको लार से, दांतों से उसको काट रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, उसी टाइम पर हमारे ब्रेन को मैसेज चला जाता है और उसी टाइम ब्रेन कमांड कर देता है हमारे पैंक्रियाज को, और पैंक्रियाज नेचुरल ढंग से एक्टिव होकर के जितनी मात्रा में इंसुलिन रिलीज करना है उतनी मात्रा में उसके बीटा सेल इंसुलिन बना करके सीधे हमारे आमाशय तक वो भेज देते हैं, सीधे हमारे पाचन तंत्र तक वो भेज देते हैं। तो इस ADR36 टैबलेट को अगर अभी से आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो हम समझते हैं कि 3 महीने का ये कंप्लीट कोर्स होता है। 3 महीने का कोर्स करने के बाद आपको इस शुगर से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। आचार्य श्री, इसके साथ हमारे साथ एक कॉलर, कॉलर लेने से पहले एक बहुत अहम क्वेश्चन मेरे को आपको पूछना है। आचार्य श्री, ये बताइए, बहुत सारे दवा कंपनियां आज ये प्रचार करती हैं कि आप दवा खा लीजिए, हमारे आयुर्वेदिक दवा खाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, 3 दिन में असर हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। आयुर्वेद से किसी चमत्कार की उम्मीद करना कहीं भी बुद्धिमानी, कतई भी बुद्धिमानी नहीं होगी। आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा प्रणाली है जो कि धीरे धीरे मेन काज पे जाकर के काम करता है, और आप आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी आपके द्वारा होना चाहिए। डायबिटीज किसी व्यक्ति को तो होता है शारीरिक श्रम के अभाव में, किसी व्यक्ति को होता है मानसिक तनाव में। अब एक व्यक्ति जिसको मानसिक तनाव हुआ है उसको अकेले शारीरिक श्रम करने से उसकी डायबिटीज नहीं जाएगी। जिसको मानसिक तनाव है उसको मानसिक शांति की जरूरत पड़ेगी, और मानसिक शांति के लिए आपको ध्यान साधना का सहयोग लेना पड़ेगा जी। हमारे शरीर में जैसे ताला जहां पे होता है चाबी भी वहीं पे लगती है। मानसिक तनाव अगर हमारे शरीर में हुआ है तो शरीर में ही हमारे ऐसी चीजें हैं, ऐसे तंत्र हैं जिनका उपयोग करके, जिनकी साधना करके हम मानसिक तनाव को भी दूर कर सकते हैं। तो आचार्य श्री ने बताया जैसे आयुर्वेद जो है कोई दवा खाना या जड़ी बूटी खाना नहीं है, जीवन जीने की एक पूरी पद्धति है। यानी आपको ध्यान भी करना है, आपको अपने आप औषधियां भी लेनी है, आपको अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, आपको वर्कआउट भी करना है। तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जैसे हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई है, प्रियंका देहरादून से। जी प्रियंका, पूछिए आपका क्या पूछना है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अभी अभी मेरा टेस्ट हुआ है जिसमें कि मुझे शुगर डायग्नोज किया गया है जी, और एग्जैक्ट उसका लेवल तो मुझे नहीं पता, बट इनिशियल स्टेज का डायबिटिक बताया गया है मुझे। देखिए महाराज श्री, देखिए बहुत सारे लोग अगेन उनको पता ही नहीं उनको डायबिटीज जी है। जी आप ये बताएं प्रियंका जी, आप ये बताएं आपके मदर या फादर किसी को डायबिटीज थी क्या? जी नहीं, हमारे यहाँ मेरे मदर और फादर में से तो किसी को नहीं थी, बट अगर उनसे पहले किसी को रही हो तो मुझे उसकी जानकारी। जी 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 नहीं, उसके पहले तो मैं समझता हूँ कि डायबिटीज नाम की कोई बीमारी हुआ ही नहीं करती थी। आधुनिकीकरण में इस बीमारी ने आकर के आज समाज में जड़ अपनी स्थापित कर लिया है। आपको टाइप 2 डायबिटीज है, आप इस चीज को ध्यान में रखें। आपकी ये जो डायबिटीज है, आप क्या वर्कआउट करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, क्या कार्य आप करते हैं? मेंटल वर्क है, थोड़ा सा सिस्टम का काम रहता है। बिल्कुल सिस्टम का काम है, इस सिस्टम के काम ने जो है डायबिटीज को, ठीक है हम आधुनिकता में आगे निकल गए, टेक्नोलॉजी को खोज लिए, बहुत कुछ खोज लिए, लेकिन बहुत कुछ ऐसी डिमेरिट भी खोज लिए जो कि हमारे शरीर में बिल्कुल घुन की तरह लग जाता है। इस डायबिटीज का प्रमुख, आप में प्रमुख होने का यही कारण है, आपका मानसिक कार्य ज्यादा है, शारीरिक कार्य कम है। आप इस मानसिक कार्य को भी करते रहें, और आपको सवेरे शाम, मानसिक कार्य करने वालों के साथ एक ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनके पास वक्त नहीं होता, क्योंकि शारीरिक कार्य करने का एक लिमिट होता है, शाम को 6 बजे उन्होंने ओवर किया, उसके बाद जाकर के सो गए। मानसिक कार्य करने वाले और मोस्टली जो सिस्टम पे कार्य करने वाले हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है कि शाम को सोने भी गए तब भी वो, अगर उन्होंने लैपटॉप नहीं लिया है, सिस्टम पे नहीं बैठे हैं, तो अपने मोबाइल से ही वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, और वो ज़्यादा, और शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षाकृत ज़्यादा देर तक वो काम करते हैं। आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हमने देखा है कि सिस्टम पे काम करने वाले, कंप्यूटर पे काम करने वाले व्यक्तियों के लिए अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है। हम आपको कुछ ऐसे
चीजें बता सकते हैं जो रसोई में होती हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने को स्वस्थ कर सकते हैं, परंतु असुविधा ये होती है कि उनको किस मात्रा में, किस तरह से, किस मिक्सचर में उनको एकत्रित किया जाए, कैसे बनाया जाए। हमारी संस्था ने एक डायबिटीज के लिए ADR36 नाम की एक टैबलेट बनाई है। इस टैबलेट का आप 3 महीने के लिए, 1 महीने में 180 टैबलेट लगेगा, 1 दिन में 6 टैबलेट, 3 महीने के लिए कंप्लीट एक आप कोर्स करें। इस कोर्स करने के साथ कुछ एक चीजें आपको और अपने में चेंजेस ले आना है, मॉडिफाई करना है। आपने कभी भी उठने का जो आपका टाइम होना चाहिए वो बिफोर सनराइज से पहले होना चाहिए, और रात्रि का जो आपने भोजन लेना है वो सनसेट से पहले आपने भोजन लेना है। इन दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। तीसरी चीज, घर में जो भी अगर आप भोजन बना रहे हैं, उस भोजन बनाने वाला जो आपका पात्र होना चाहिए वो पात्र एल्युमिनियम का कदापि नहीं होना चाहिए, कुकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिशंस जो होते हैं 97% डिस्ट्रॉय कर देता है कुकर, प्रेशर कुकर उसका नाम ही रखा गया है। माइक्रो न्यूट्रिशंस जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जो चीज हमको मिलनी चाहिए वो चीज हमको मिलती नहीं है, और हमारे को वेस्टेज की सारी चीजें मिलती हैं। ये जो एल्युमिनियम का कुकर है इसको घर से बिल्कुल बाय बाय कर दीजिए। इसके बदले में आप इस्तेमाल कीजिए, आपके पीतल इस्तेमाल कर सकते हैं, पीतल इस्तेमाल करें, कांसा इस्तेमाल कर सकते हैं, कांसा इस्तेमाल करें, एक फूल आता है फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल इस्तेमाल करें। जो आपको मिलना है नेचर से, जो मिलना है माइक्रो न्यूट्रिशंस, वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। फलों पर आप ध्यान दें, जितने भी तरह के फल हैं हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे। केला है, केले में भी कैल्शियम की पूरी मात्रा होती है, केले का आप भरपूर उपयोग करें। मीठे भी फल हैं, सारे फलों का आप भरपूर उपयोग करें। रॉ वेजिटेबल का उपयोग करें, स्प्राउट ग्रेन्स का उपयोग करें, और इसके साथ आप ADR36 की 2 टैबलेट सवेरे, 2 टैबलेट दोपहर को, 2 टैबलेट शाम को, 3 महीने का पूरा कंप्लीट कोर्स करें। आपको किसी भी तरह की ये समस्या डायबिटीज ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, पूरी तरह से आपको इसका निदान मिल जाएगा। जैसे आप महाराज श्री ने बताया कि आपको किस तरह के यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं अपने किचन में, ताकि आप जो कैल्शियम विटामिन्स खाना बनाते टाइम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपको उसको रिटेन कर सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी में। साथ ही साथ जो शुगर की बीमारी जिनको होती है आचार्य श्री, उनको ज़्यादातर कमजोरी भी बहुत महसूस होती है, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। आज महाराज श्री, बहुत सारे लोग माइक्रोवेव्स यूज करते हैं ऑफिस में खाना गर्म करने के लिए, क्या ये भी एक वजह है उसको बढ़ावा देने? बिल्कुल वजह है इसका। मैं कहता हूँ कि अपना आहार विहार व्यवहार जी, हमारे जीवन शैली में आचार विहार व्यवहार जब तक ये दूषित रहेगा इस मॉडर्निटी के नाम पर, इस दिखावे के नाम पर, तब तक हमारे को डायबिटीज आई है। तो डायबिटीज अकेले नहीं आई है, डायबिटीज के बाद हमारी आर्टियरीज वेन्स की लेयर्स वीक हो जाएंगी, हमारे को ब्लड प्रेशर का भी पेशेंट बनना है, डायबिटिक पेशेंट को हार्ट का भी पेशेंट बनना है, डायबिटिक पेशेंट को आईज में भी प्रॉब्लम आनी है, आईज का भी पेशेंट बनने की पॉसिबिलिटी है, डायबिटिक पेशेंट को मेमोरी जो कैपेसिटी होती है उस मेमोरी से भी भूलने की स्मरण शक्ति में भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ना है। तो इसके लिए हमारा लाइफ स्टाइल और आहार विहार प्रमुख मायने रखता है। हम समय पर भोजन करें, सूर्योदय के समय जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा जो हमें भोजन करना है वो मॉर्निंग में करना है, दोपहर को जो भोजन करना है उससे कम मात्रा में, रात्रि को जो भोजन करना है सबसे कम मात्रा में। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी भोजन करना है, दोबारा जैसे आपने प्रश्न किया कि दोबारा क्या उसको गर्म करते हैं तो उसमें डायबिटीज होने का रीजन है, बिल्कुल रीजन है। एक बार जब भोजन बॉयल हो गया, एक बार जब भोजन पक गया, तो दोबारा उसको पकाने पर उसके न्यूट्रिशंस जो भी बचे हैं, विटामिन जो भी बचे हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। फिर वो खाना खाना नहीं रह गया, वो सिर्फ एक पेट भरना अकेले रह गया। हमारे शरीर में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो पोषक तत्व नेचुरल वे से आप लें, तब आपको न तो थकान रहेगी, न तो कमजोरी रहेगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आचार्य श्री, एक बहुत बड़ा लोगों के बीच में मिथ है कि ये बहुत घातक बीमारी है, बेशक ये घातक बीमारी है, लेकिन क्या ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही प्रमुख कारण है जी। लाइफस्टाइल को हमें बड़ा व्यवस्थित करना पड़ेगा। अगर आप में डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज ने आपको आकर के संदेश दिया कि अब आप खाना पीना रहना चलना फिरना बात व्यवहार सारी चीजों को आप बदलें, आपके लिए एक ये संदेश लेकर के आया है। यहां पर आपको जागृत होना है, यहां पर आपको बिल्कुल अलर्ट होने का आपका सिंबल है,
अलर्ट हो जाइए अपने जीवन के प्रति, जीवन प्रणाली के प्रति, दिनचर्या के प्रति आपको अलर्ट हो जाना है। आपने मॉर्निंग में सूर्योदय के बाद कभी भी नहीं सोना है। जो व्यक्ति सूर्योदय के समय सो रहा होता है उस व्यक्ति पर सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल पाती है और सूर्य की ऊर्जा न मिल पाने के कारण उसकी जीवनी शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है। मल त्याग आपने सूर्योदय के पहले कर देना है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे उन व्यक्तियों को डायबिटीज को दूर भगाने में बड़ा लंबा वक्त नहीं लगेगा। शाम का भोजन आपने प्रयास से करना है, सूर्यास्त के पहले पहले आप कर लें। भोजन में आपने जो भी जो कुछ भी आपने ग्रहण करना है मोस्टली उसको नेचुरल वे में ग्रहण करना है। नेचुरल वे जिसको बोले तो जितने भी तरह के फ्रूट्स हैं, अभी एलोपैथिक के डॉक्टर कहते हैं आपको अगर डायबिटीज है तो आम की तरफ तो आप देखना भी मत, केला भी ना खाएं, सोचना भी मत जी। ऐसी चीजें जो कि प्राकृतिक रूप से हैं उनको ग्रहण करने पर किसी की डायबिटीज नहीं बढ़ती। हम नेचुरोपैथी में जो भी पेशेंट्स हैं उनकी शुरुआत कराते हैं कि पहला आहार आपका केला होना चाहिए। वो कहते हैं कितना केला होना चाहिए, हम कहते हैं जितना जल्दी ठीक होना चाहो उतना केला होना चाहिए। ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन जो कि केला खाना भूल गए थे, 10 सालों से केला वो नहीं खाए और उनको हम लोगों ने केला खिला करके, मैंगो को खिला करके, क्योंकि एक तो वैसे डायबिटिक पेशेंट का कैपेसिटी कमजोर हो गई है, डायबिटिक पेशेंट वैसे ही शारीरिक रूप से पोषक तत्वों की कमी उसके बॉडी में हो गई है, दूसरे उसको सारी की सारी चीजें अगर आप मना कर देंगे तो कहां से उसमें मजबूती आएगी। आम का सीजन आ रहा है, डायबिटिक पेशेंटों को हम बताना चाहेंगे शुरुआत ही दिन की कीजिए आम के साथ। आम से ग्लूकोज आपका बढ़ेगा नहीं और आप अपना मापते रहिए, आपका बिल्कुल ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। जो ग्लूकोज बढ़ता है शरद जी उसका प्रमुख चीज पे कोई ध्यान नहीं देता। ग्लूकोज बॉडी में बढ़ने का प्रमुख कारण है आयल, जो हम कहते हैं रिफाइंड आयल जी। इस रिफाइंड आयल को आप छोड़ दीजिए, आप चावल को भी ग्रहण कीजिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि चावल में कम ग्लूकोज होता है अपेक्षाकृत गेहूं के। गेहूं में होता है, रोटियां आप खाते रहते हो, रोटियां खाते रहते हो, कहते हो हम कुछ नहीं खा रहे हैं फिर भी हमारी डायबिटीज बढ़ रही है। ग्लूकोज ज्यादा है रोटियों में, गेहूं में, व्हीट में ज्यादा ग्लूकोज है और राइस में कम ग्लूकोज है। राइस को आप लीजिए, आपका यदि ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो राइस को बॉयल करते समय जो उसकी माड़ है, जिसको माड़ बोलते हैं, पानी है वो निकल जाए, उस राइस को आप खाइए, भर पेट खाइए। जितनी भी तरह की वेजिटेबल्स हैं, कोई भी वेजिटेबल आपने नहीं छोड़ना है, चाहे उसको कच्ची वेजिटेबल को खाइए चाहे उसको पका करके खाइए। पकाने पर बहुत सारे मिनरल्स उसमें कम हो जाते हैं और जब भी वेजिटेबल को काटने लगें, काटने के पहले धुलें उसके बाद उसको काटें। हमारे गृहणियाँ, हमारे घर में माताएं बहनें एक बहुत बड़ी फॉल्ट करती हैं, सब्जी को काटने के बाद धुलती हैं। सब्जी को काटने के बाद जब धुलती हैं तो समस्या आ जाती है, तब सबसे बड़ी चीज़ है जो भी उसमें मिनरल्स हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। सबसे अच्छा फॉर्म होता है वेजिटेबल्स को भी खाने का, जिन वेजिटेबल्स को आप रॉ इस्तेमाल कर सकते हो उन वेजिटेबल को आप रॉ इस्तेमाल करें। फ्रूट्स जितने भी बने हुए हैं रीजनल और सीजनल, ऐसा नहीं कि अभी सीजन नहीं है किसी चीज का तो उसी चीज को मंगा करके खाओ, वो महंगा है तो आपको लगे कि ये महंगी चीज खा रहे हैं तो जल्दी हमारे में ऊर्जा आ जाएगी, ऐसी बात नहीं होती। जिस रीजन में आप हैं और जिस सीजन में आप हैं, रीजनल और सीजनल सारे फलों को खाएं। डायबिटिक पेशेंट्स को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सजेस्ट करना चाहेंगे, आम का सीजन आया है और केला हर जगह मिल जाता है, आप केले का आम का दोनों का इस्तेमाल कीजिए। आप पूछेंगे मात्रा कितनी, हम आपको बताएंगे जितनी मात्रा हो सकती है उतनी मात्रा। जैसे आचार्य श्री ने बताया कि आप केला भी खा सकते हैं, आम भी खा सकते हैं, एक मात्रा में खा सकते हैं ताकि आपकी शुगर भी कंट्रोल रहे। आप हमारे संस्था से दवा भी मंगा सकते हैं, हमारी दवा आपके घर पहुंच जाएगी कुरियर द्वारा, हमारे विशेषज्ञ आपके तक पहुंचा देंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप कभी भी इस प्रोग्राम के दौरान आचार्य श्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आचार्य श्री, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे शुगर के बारे में, डायबिटीज के बारे में। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है ADR36, आप इसे ले सकते हैं जिससे आपकी शुगर बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां आज ये दावा करती हैं कि उसे खाने से
आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शुगर ठीक नहीं होती दर्शकों, सबसे पहले मैं ये करेक्ट करना चाहूंगा, शुगर कंट्रोल होती है। तो इसको लेने की विधि जैसा आचार्य श्री ने बताई है कि 2 टैबलेट आपको सुबह गुनगुने पानी के साथ खाली पेट खाना खाने से पहले लेना है, ऐसा ही आपको दोपहर को करना है और ऐसे ही आपको शाम को करना है। तो और नीचे दिए गए नंबर पे आप फोन करके इस दवा को मंगा सकते हैं, हमारे लोग आप विशेषज्ञ आपसे बात कर ये दवा आपके घर तक पहुंचाते हैं। ADR 36 इसका नाम है, इसमें 36 प्रकार की दवा है। ये दवा जहां आज आप लोग कंट्रोल करने की बात करते हैं, इसमें एक ऐसा हर्ब मिलाया गया है जिसे मामे जबा कहते हैं। ज्यादा शुगर को तो हर आदमी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन शुगर का लेवल जब कम हो जाता है तो ये दवा उसको भी कंट्रोल करती है, क्योंकि शुगर कंट्रोल गिरना यानी कम होना ज्यादा घातक है के बजाय आपकी शुगर बढ़ने से। तो मैं अपने सभी दर्शकों को यह कहूंगा, नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और यह दवा आपके लिए वाकई में गुणकारी है, आप इसे मंगा सकते हैं घर बैठे, केवल एक फोन मात्र से आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। अब दर्शकों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार। भारत में लगभग 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और उससे 5 गुना ज्यादा लोग प्रो डायबिटिक हैं, यानी कि उन्हें डायबिटीज होने का खतरा है। तो अब आपके लिए आ गया है ये चमत्कारी मेडिसिन ADR 36, सिर्फ 5 रुपए में डायबिटीज कंट्रोल करने की गोली, वो भी भारत सरकार द्वारा प्रमाणित। ADR 36 100% आयुर्वेदिक है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि ये भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, ये किसी एक वैद्य की सलाह पर नहीं बल्कि क्लिनिकली टेस्टेड और अप्रूव्ड है बाय डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। साथ ही ये FDA और GMP सर्टिफाइड भी है। ADR 36 में है कुछ खास जड़ी बूटी जैसे कि हरेडा, विजयसार, गिलोय, मेथी, गुड़मार और ममजावा। इन सब की मदद से आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा संतुलित होती है और ये आपके शरीर में इंसुलिन बनने और उन्हें सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। टाइप 2 डायबिटीज के लोगों के लिए ये एक वरदान से कम नहीं है। 1 महीने के अंदर ही आपको अपने शुगर लेवल में जबरदस्त बदलाव दिखेगा।